लास्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ये क्वेश्चन कर लिया था हमने, उसके चारों पार्ट कर लिए थे ए बी सी डी, है ना। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बताया था मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर एटेन्यूएशन। तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली सिग्नल का जब एटेन्यूएशन होता है तो वो मटीरियल कॉम्पोजिशन पे या फिर उसकी प्रिपरेशन की या प्योरिफिकेशन टेक्निक पे डिपेंड करता है, और वेव गाइड के स्ट्रक्चर पे कि वो सिलेंड्रिकल है या प्लेनर वेव गाइड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट टर्न पे। इसके बेसिस पे हमने मटेरियल एब्जॉर्प्शन, मटेरियल की स्कैटरिंग, उसके कर्व और बेंडिंग लॉसेस के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था कि किस टाइप की एब्जॉर्प्शन लॉसेस होंगे, किस टाइप के मटेरियल स्कैटरिंग लॉसेस होंगे, कर्व और माइक्रो बेंडिंग लॉसेस होंगे, है ना। और उसके बाद हमने देखा था कि एक टाइप का लॉस और है जिसको मोड कपलिंग रेडिएशन लॉसेस बोलते हैं, जो मोड को कपल के टाइम पे, मोड सपोज मैंने स्टार्टिंग में कोई और मोड दिया और मेरे को आउटपुट पर कुछ और मोड मिला, तो वो मोड कपलिंग के टाइम पे जो लॉस हुआ दैट विल बी नोन एज मोड कपलिंग लॉस, और इफ एनी मोड विच वॉज प्रोपेगेटेड बट दैट इज लीक्ड इन टू दी क्लैडिंग, है ना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो लीकेज ऑफ द मोड, वो रीजन वो बोला जाएगा क्या कहते हैं, लीकी मोड्स की वजह से लॉस, ठीक है। ये हमारे कनेक्टर्स और स्प्लाइसेस की वजह से भी होते हैं, ये हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी करके सॉल्व करके देखा था, ठीक है। उसके बाद मटेरियल लॉसेस, एब्जॉर्प्शन टाइप के लॉसेस जो होते हैं सिलिका ग्लास फाइबर के अंदर, वो कैसे होते हैं, तो वो देखते हैं। फाइबर जो कि सिलिका ग्लास से मिलकर के बना होगा, उसके अंदर जो लॉसेज होंगे, तो इसके अंदर मटेरियल एब्जॉर्प्शन में हम ये बोलते हैं लॉस मैकेनिज्म जो है वो मटेरियल के कंपोजिशन पे या उसके फैब्रिकेशन पर डिपेंड करता है ना। तो जो भी जिस भी तरीके से मटेरियल, जिस मटेरियल से हमने वो फाइबर बनाया है, प्लस जिस मटेरियल के प्रोसेस से, है ना, उसके कंपोजिशन से और उसके फैब्रिकेशन प्रोसेस से, तो वो मटेरियल एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा इन दोनों चीज़ों पे कि वो किस मटेरियल से बना है, प्लस वो किस तरीके की प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनाया गया है। एक बहुत सिंपल सी यूजुअल सी प्रैक्टिस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ को कांच, अगर या जो आपने ग्लास है, ग्लास का कुछ अगर आपने बनते हुए देखा हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसको बॉयल करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, है ना, और अगर वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो अपनी स्टेट चेंज करता है, इट कन्वर्ट्स, इट मेल्ट्स। तो मेल्टिंग के बाद हम उसको अपनी डिजायर्ड शेप प्रोवाइड करते हैं, जैसे सपोज हमने 0.1, 0.2, 0.10, 0.25 माइक्रोमीटर का एक मैंने कोर की डायमीटर का अगर मैंने बनाया फाइबर, तो ऑटोमेटिकली मैं उस स्ट्रक्चर की फॉर्म में दे दूंगा। अब अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, मुझे उसको लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे वो हार्ड फॉर्म में चाहिए, तो मैं उसको दोबारा क्या करूँगा, फ्रीज करूँगा ताकि वो पोजीशन अपनी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही चेंज करे, उससे पहले चेंज ना करे। तो ये जो मैंने मेल्टिंग करी और ये उसके बाद मैंने जो फ्रीजिंग करी, ये मेल्टिंग और फ्रीजिंग की वजह से ये प्रोसेस हो गई, है ना। देयर मे बी अ प्रोसेस इन विच आई एम चेंजिंग द टेम्परेचर और आई एम चेंजिंग द वे हाउ इट फ्रीजेस, तो उसके ऊपर मेरा एब्जॉर्प्शन लॉस डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि मैं फैब्रिकेशन प्रोसेस कुछ और ले रहा हूँ। बच्चों आवाज आ रही है ना आप लोगों को? थोड़ा रुक रुक के आ रही है सर, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पास में रखी होती है ना, तो आवाज आती है अलग सी, वैसा मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो होता है डिस्टॉर्शन, वो अलग हो रहा है। तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रखा हुआ, इवन मोबाइल भी दूर रखा हुआ है। मेरी आवाज रिपीट तो नहीं हो रही? भाई अब नो सर, इको नहीं। ठीक 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 ओके, है ना। अब ये जो एब्जॉर्प्शन लॉस है वो बेसिकली क्या करते हैं, जो भी एब्जॉर्प्शन लॉस है वो ऑप्टिकल पावर को हीट में कन्वर्ट करेगा, है ना, ऑप्टिकल पावर यानी लाइट पावर को हीट में कन्वर्ट करेगा, और थ्रू आउट द वेव गाइड, थ्रू आउट द ऑप्टिकल फाइबर वो हीट को प्रोपेगेट कराएगा। तो डिसिपेट होगी मेरी जो ऑप्टिकल पावर है, जो मैंने इनपुट पर ऑप्टिकल पावर दी थी, वो सारी की सारी हीट की फॉर्म में थ्रू आउट द वेव गाइड यानी थ्रू आउट द ऑप्टिकल फाइबर जो है वो डिसिपेट होगी।
एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है वो इंट्रिंसिक भी हो सकती है और एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है। अब ये दो अलग अलग इफेक्ट्स हैं, तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि इंट्रिंसिक क्या है और एक्सट्रिंसिक क्या है। इंट्रिंसिक वो है जो एक मेजर कंपोनेंट ग्लास के एक मेजर कंपोनेंट से मिलकर के हो, बना हो, और उसकी वजह से मेरे कंपोजिशन की वजह से एब्जॉर्प्शन लॉस हो, यानी लाइट एब्जॉर्ब हो, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक लॉस, इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। और दूसरा है एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन, वो उस रीजन से होता है जिस रीजन में हम ये बोलेंगे कि अगर मेरे ग्लास के अंदर मेजर कंपोनेंट के अलावा कुछ इम्प्योरिटीज हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास में, ग्लास तो है ही लेकिन ग्लास के साथ साथ कुछ और पार्टिकल भी, हाउएवर स्मॉल माइनॉरिटी पार्टिकल्स हो, हाउएवर स्मॉल वॉल्यूम में हो, कितने ही कम वॉल्यूम में क्यों ना हो, बट अगर वो हैं, कोई भी इम्प्योरिटी है ना, 99% प्योर है, लेकिन अगर 1% भी इम्प्योरिटी है, तो उस इम्प्योरिटी की वजह से जो भी एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, अब इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन के ऊपर मैंने आपको लास्ट टाइम पे एक ग्राफ भी दिखाया था कि एक पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं वेवलेंथ पर हम लोग का जो एब्जॉर्प्शन है वो काफी ज्यादा है ना, एक रेंज में काफी ज्यादा है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर कंपैरेटिवली कम है। जैसे कि आप इस वाले फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर मेरे एब्जॉर्प्शन यानी एटेन्यूएशन की वैल्यू जो है दैट इज स्मॉल। ठीक है, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मेरी एब्जॉर्प्शन की वैल्यू, एटेन्यूएशन की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती जा रही है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सबसे कम वैल्यू कहाँ पर मुझे मिल रही है, सबसे कम वैल्यू मिल रही है मुझे इस एरिया में, और ये एरिया है अराउंड 1.4 से लेके 1.4 से लेकर के 1.8 मान लेते हैं ना, 1.8 लगभग 1.8 माइक्रोमीटर। तो ये जो रेंज है, इस रेंज में मैं बोल रहा हूँ कि ये रेंज में मेरा एटेन्यूएशन बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर फ्रीक्वेंसीज, अदर वेवलेंथ्स, है ना। और उसमें फोटोन की एनर्जी भी डिपेंड करी है कि फोटोन की एनर्जी कितनी है, है ना। तो देखो आप ध्यान से, फोटोन की एनर्जी लगभग 0.8 के आसपास है, 0.7 मान लो, 0.9 मान लो, और 0.75 या 0.7 मान लो, है ना। तो इस रेंज में फोटोन की एनर्जी है और उसका एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, लगभग इतना हो रहा है 0.3, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली वेरी वेरी स्मॉल, है ना। यहाँ पर और देखो तो इट इज अराउंड, और छोटा हो जाएगा ये वाली वैल्यू 0.2, 0.1, है ना, 0.1 ये है, तो ये लगभग पॉइंट यू कैन से 0.2, 0.2, है ना, 0.25 समथिंग लाइक दैट। तो ये आप बोल सकते हो इतना डीबी पर किलोमीटर मेरा एब्जॉर्प्शन है ना। तो ये चीज एक इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन की वजह से है, जो मेजॉरिटी कंपोनेंट फाइबर के मेजर कंपोनेंट से जो एब्जॉर्प्शन है वो इंट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन है। एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन अगर हम देखें तो ये इम्प्योरिटी की वजह से है, अगर इम्प्योरिटी ज्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, अगर इम्प्योरिटी कम होंगी तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। इसको हम स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ही मेंशन करते हैं, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही ज्यादा हम ये बोल सकते हैं कि एटेन्यूएशन ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आयरन के या मेटल के कोई आयन्स हो सकते हैं, लाइक आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, है ना, और कोई हाइड्रोक्सी आयन भी हो सकते हैं लाइक फ्रॉम वाटर। तो इनकी वजह से, इनकी प्रेजेंस की वजह से अगर कोई भी एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ये इस फिगर में आपको, इस ग्राफ में क्लियर होगा ऑलमोस्ट कि अगर मैं वेवलेंथ, यहाँ में जो मेरी वेवलेंथ है नैनोमीटर में, है ना, वेवलेंथ जो है मेरी नैनोमीटर में, अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ऑटोमेटिकली, तो द एटेन्यूएशन विच इज ऑफ एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन वो मेरा कंपैरेटिवली बढ़ रहा है। एक्सट्रिंसिक एब्जॉर्प्शन में ये जो लॉसेज है वो कंपैरेटिवली बढ़ रहे हैं अगर मैं हायर वेवलेंथ की बात करता हूँ तो। ठीक है, अब अगर स्कैटरिंग लॉस की बात करूँ तो स्कैटरिंग लॉस बेसिकली होती, स्कैटरिंग क्या होती है, स्कैटरिंग होती है फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइट को स्कैटर कर रहा हूँ, मतलब एक लाइट एक ऐसी जगह पर इंसिडेंट हुई जो जो पॉइंट इतना छोटा था कि वो इट इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द ऑर्डर ऑफ द लाइट प्रोपेगेटिंग थ्रू, उसकी जो लाइट थी, उस लाइट की जो वेवलेंथ है, उस लाइट की वेवलेंथ के से भी छोटा, यानी ऑफ द ऑर्डर ऑफ यू कैन से लैम्डा बाई 10, अगर लैम्डा बाई 10 या उससे छोटा अगर मेरा कोई इस पार्टिकल का साइज है जिस पार्टिकल पर मेरी लाइट वेव पड़ रही है, इंसिडेंट हो रही है ना, तो वो क्या होगा, वो
वो कई पार्ट में स्कैटर हो जाएगी, उसको नहीं पता एग्जैक्टली कि मैं किधर की तरफ जाऊं, तो इट स्कैटर्स एवरीवेयर। तो ये स्कैटरिंग है। अब ये स्कैटरिंग लीनियर भी होती है, नॉन लीनियर भी होती है। तो लीनियर स्कैटरिंग मैकेनिज्म कॉज द ट्रांसफर ऑफ सम कुछ एनर्जी या ऑल ऑफ द ऑप्टिकल एनर्जी, ऑप्टिकल पावर, एक मोड से लीनियरली किसी और मोड में ट्रांसफर हो जाए तो, है ना। तो अगर मैं स्कैटरिंग की डेफिनेशन देखूँ तो स्कैटरिंग में क्या है कि अगर वो वेव मेजॉरिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली गई और बाकी सब जगह वो थोड़ी थोड़ी स्कैटर हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो एक लाइट वेव ऑप्टिकल पाथ को कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रही थी, है ना, वो सपोज ये पाथ ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, लेकिन सपोज यहाँ पर इम्प्योरिटी आई तो उसने क्या करा, उसने पाथ को चेंज कर दिया, उसने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। अब अगर ऐसा कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा मोड इस वाली लाइट वेव के लिए अलग होगा और इस वाली लाइट वेव के लिए अलग होगा, है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने ये बोला कि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइट दैट वॉज प्रोपेगेटिंग इन दिस पर्टिकुलर मोड विच वॉज आफ्टर स्कैटरिंग दैट ट्रांसफर्ड into this particular mode, and that is why we say कि linear scattering ने उस mode power को, एक mode की power को proportionally दूसरे mode में, यानी linearly दूसरे mode में transfer कर दिया, उसको बोलते हैं linear scattering losses। बच्चों clear हो रहा है या नहीं, मुझे आप लोग बताते रहो, बताते चलो, feedback देते रहो, ताकि फिर मुझे भी दिक्कत ना हो, otherwise पता लगा मैं समझाया जा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा। बच्चों यस सर, समझ में आ रहा है ना? यस सर, ठीक। उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये एटेन्यूएशन प्रोवाइड करती है, किस टाइप का, लीकी वेव या रेडिएशन मोड, है ना, जो कि उस पूरे फाइबर के अंदर प्रोपेगेट नहीं कर पा रहे हैं, फाइबर कोर के अंदर प्रोपेगेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो रेडिएट हो चुके हैं। मतलब ऑब्वियसली अगर मैं एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने यहाँ स्ट्रक्चर दिया था, है ना, यहाँ बना देता हूँ दोबारा, वो वेव ट्रेवल कर रही थी कुछ इस डायरेक्शन में, आफ्टर स्कैटरिंग इट स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो हुआ क्या, ये वाला जो मोड था ना, ये वाला मोड, ये जो मोड था जो पहले ट्रेवल कर रहा था, दैट गेट्स स्कैटर्ड विद इन द ऑप्टिकल कोर, ये एक तरीके से रेडिएट हो गया फाइबर के अंदर, थ्रू आउट द फाइबर, और वो इस मोड में कन्वर्ट हो गया, ये वाला मोड अब कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस स्कैटरिंग की वजह से मेरा फाइबर कोर के अंदर एक मोड ट्रैवल करने से रुक जाता है, है ना, और वो रेडिएट हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो यहाँ पर उस मोड के थ्रू ऑप्टिकल पावर प्रोपेगेट ना होकर के किसी और मोड में प्रोपेगेट होती है, वो लीनियर स्कैटरिंग है। लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मोड पावर है वो प्रोपोर्शनल है, जो मोड पावर इस वाले मोड में आई आफ्टर स्कैटरिंग, वो इस वाले मोड की ऑप्टिकल पावर के प्रोपोर्शन में ही थी, है ना, चाहे वो प्रोपोर्शन कितना भी हो, है ना। पावर इन सेकेंड मोड इज प्रोपोर्शनल टू पावर इन द फर्स्ट मोड। जो अगर मैं सिंगल मोड की बात करता हूँ तो सिंगल मोड का अगर कन्वर्जन हो रहा है, मोड कपलिंग हो रही है, तो अगर सिंगल मोड में जो पावर प्रोपेगेट हो रही है उस पावर के प्रोपोर्शन में ही पावर जो सेकंड मोड में पावर प्रोपेगेट हो रही है वो उसी के प्रोपोर्शन में होगी, इसीलिए हम इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब लीनियर प्रोसेस में कोई भी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता, ध्यान देना। अगर स्कैटरिंग होती है, और स्कैटरिंग बोल रहा हूँ मैं, लीनियर है, मतलब एक पॉइंट पर आने के बाद वो वेव जो है अपना मोड चेंज कर लिया, ठीक है, इसमें न जाके वो इसमें जाएगी, इसमें न जाके वो इसमें जा रही है, ठीक है, इस वेव में उसने सारी एनर्जी ट्रांसफर कर ली। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में ऐसा नहीं है कि वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, अगर ऑपरेटिंग वेवलेंथ उतनी थी, है ना, तो अभी भी वो उतनी ही रहेगी, देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी आफ्टर स्कैटरिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कैटरिंग में कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है। लीनियर स्कैटरिंग को हम दो मेजर पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक रेले और एक मी स्कैटरिंग, ठीक है। वन बाय वन वील डिस्कस कि रेले स्कैटरिंग क्या होती है और मी स्कैटरिंग क्या होती है, है ना, लेकिन ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
जो कि नॉन आइडियल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड फाइबर पे डिपेंड करते हैं, और इनको कंप्लीटली एलिमिनेट करना या इरेडिकेट करना, ख़त्म करना इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. हम कुछ हद तक इसको कम कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एलिमिनेट द लीनियर स्कैटरिंग लॉसेस. क्लियर है? हम इसको कोशिश कर सकते हैं कम करने की, बट वी कैन नॉट कम्प्लीटली इरेडिकेट सच टाइप ऑफ स्कैटरिंग लॉसेज विद इन दी ऑप्टिकल फाइबर by any manufacturing process that we follow. ठीक है, अब मैं वन बाय वन रेले स्कैटरिंग पे और मी स्कैटरिंग पे डिस्कस करता हूँ कि रेले स्कैटरिंग क्या होती है, किस रीजन से होती है, मी स्कैटरिंग क्या होती है और किस रीजन से होती है, और कैसे हम उसको कम करने की कुछ कोशिश कर सकते हैं. तो सबसे पहले रेले स्कैटरिंग, ये जैसे कि मुझे पता है ये क्या है, ये एक लीनियर स्कैटरिंग का टाइप है. लीनियर स्कैटरिंग को दो टाइप में क्लासिफाई करा हमने, रेले स्कैटरिंग और मी स्कैटरिंग में. तो सबसे पहले रेले स्कैटरिंग. रेले स्कैटरिंग में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर. वेट करो, है ना, पता नहीं क्यों ये हैंग हो गया. अच्छा, आप लोगों का कल एक लेक्चर होता है 11 से 12 नहीं कल 10 से 11 होता है, कल 10 से 11 थर्सडे है ना, कल 10 से 11 लेक्चर होता है. मैं एक काम करूंगा, आप लोगों को एक क्विज दूंगा और उस क्विज से आप मुझे बताना. इस क्विज को सॉल्व करने के लिए आपको अराउंड 10 to 15 minutes में आप लोगों को दूंगा. ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोल दो या टेस्ट बोल दो, जो भी आपको मन करे. ये हो चुका था हमारा रेले स्कैटरिंग. ठीक है, ठीक, तो शुरू करते हैं. रेले स्कैटरिंग ये एक डोमिनेंट इंट्रिंसिक लॉस मैकेनिज्म है, और इसमें जो एक तरीके से जो जो ऑप्टिकल फाइबर की रेंज है अल्ट्रावायलेट से लेकर के विजिबल देन इंफ्रारेड, तो उसके बीच में जो विंडो है ना विजिबल लाइट वाली, उस लाइट की विंडो में ही ये रेले स्कैटरिंग डोमिनेंट होती है, है ना. मैंने अभी जब आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, तो स्पेक्ट्रम पढ़ाते टाइम मैंने आपको ये बोला था कि जो मेरा एक पर्टिकुलर रेंज, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा यूवी रेंज है, उसके बाद मैं ये विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ, और उसके बाद मैं इंफ्रारेड की बात करता हूँ. तो अगर ये इंफ्रारेड है और ये यूवी है, तो उसके बीच में एक पर्टिकुलर विंडो जो कि विजिबल वाली लाइट का पार्ट भी है, उसके अंदर ही ये मैक्सिमम होगा, है ना, डोमिनेंट होगा, डोमिनेंट होगा. ये जो रेले स्कैटरिंग है वो डोमिनेंट है केवल और केवल विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के केस में ही, ठीक है. और ये होता किस वजह से है, ये होता है इन होमोजीनिटीज ऑफ अ रेंडम अकरिंग ऑन स्मॉल स्केल एज कम्पेयर्ड विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. मैंने आपको बताया भी कि जब भी मैं स्कैटरिंग की बात करता हूँ, तो स्कैटरिंग में मैं हमेशा वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ से कंपेयर करूंगा. अगर जिस पार्टिकल पर मेरी ऑप्टिकल लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर उस पार्टिकल की वेवलेंथ, सॉरी उस पार्टिकल का जो साइज है, उस पार्टिकल की जो शार्पनेस है ना, वो अगर ऑप्टिकल वेवलेंथ से, जो लाइट है उसकी वेवलेंथ से अब बहुत स्मॉल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर मेरी रेले स्कैटरिंग होगी. ये यूजुअली जो स्कैटरिंग होती है वो रेले स्कैटरिंग है, ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लक्चुएशंस की वजह से बेसिकली ये सब होता है. अगर सपोज ऑप्टिकल फाइबर के अंदर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज हुआ और सडनली उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरी लाइट इंसर्ट हुई, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो जो लाइट का इंसर्शन है उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर है, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के फ्लक्चुएशन की वजह से मेरी स्कैटरिंग हो रही है. और ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के फ्लक्चुएशंस होते किस वजह से हैं, दैट अराइज फ्रॉम द कंपोजिशनल वेरिएशंस. अब कंपोजिशनल वेरिएशंस आते कैसे हैं, ये आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन से, जो मैं आपको अभी ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि जो एब्जॉर्प्शन लॉस है वो किस रीजन से होते हैं. वो होते हैं
अगर मैं ग्लास के लैटिस को पहले तो मैंने उसको क्या कह रहे हैं मेल्ट करा, और मेल्ट करने के बाद मैंने उसको कूलिंग करी, फ्रीजिंग करी, तो उसके फ्रीजिंग के दौरान अगर उसके लैटिस में उसका जो स्ट्रक्चर है लैटिस स्ट्रक्चर उसका उसके अंदर अगर कोई भी इरेगुलरिटी आती है या कंपोजिशनल वेरिएशंस आते हैं कि कहीं पर थोड़ा डेंस हो गया, कहीं पर कुछ और चेंज हो गया, है ना, तो अगर कहीं फ्रीजिंग के टाइम पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ज़्यादा कूलिंग बहुत जल्दी कूलिंग पहुंची, है ना, यूनिफॉर्म कूलिंग नहीं थी, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो एक बहुत जल्दी क्या कहते हैं एक तरीके से फ्रीज आउट हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि मेरे को कंपोजिशनल वेरिएशंस मिलेंगे, और ये कंपोजिशनल वेरिएशन क्या करेंगे, ये मेरे उस स्ट्रक्चर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फ्लक्चुएशंस का कारण बनेंगे, है ना। तो अगर मैं किसी भी तरीके से कुछ ऐसी प्रोसेस फॉलो करूं जिस प्रोसेस में मैं यूनिफॉर्म कूलिंग थ्रू आउट द स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर पाऊं, तो ये कोशिश हो सकती है कि मेरे को फ्रीजिंग के टाइम पे वहां पर कंपोजिशनल वेरिएशंस ना मिले, और अगर कंपोजिशनल वेरिएशंस नहीं मिलते हैं तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फ्लक्चुएशन विद इन द स्ट्रक्चर, विद इन द ऑप्टिकल फाइबर, विद इन द वेवगाइड ना हो। और इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं रेले स्कैटरिंग फिनोमेना को अवॉइड करना चाहता हूं तो आई नीड टू चूज अ बेटर कंपोजिशनल या बेटर फैब्रिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अगर मैं इसके एटेन्यूएशन को देखूं तो इसका एटेन्यूएशन जो है रेले स्कैटरिंग की वजह से जो एटेन्यूएशन मेरे को मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन जो मेरे को मिल रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर टाइम्स ऑपरेटिंग वेवलेंथ पावर, फोर पावर ऑपरेटिंग वेवलेंथ की फोर पावर तक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका एटेन्यूएशन। इस फॉर्मूले से हम लोग उसको डिराइव करते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसको आप नोट कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला काम आएगा। दिस गामा आर इज द रेले स्कैटरिंग कोफिशियंट, बाकी सारे कोफिशियंट में बताऊंगा। दिस इज बेसिकली 8 पाई क्यूब डिवाइड बाई 3 लैम्डा 4। नाउ यू कैन सी कि दैट गामा आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा 4। प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को अगर हम हटाते हैं तो ये सारे कॉन्स्टेंट मेरे को मिलते हैं। ठीक है, गामा आर इक्वल्स टू 8 पाई क्यूब डिवाइड बाई 3 लैम्डा पावर 4 एन पावर 8 पी स्क्वायर बीटा सी के टी एफ। अब ये 1/1 पैरामीटर्स क्या क्या हैं ये मैं बताऊंगा। आप मुझे जल्दी से बताओ कि आपने ये जो क्या कहते हैं फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है, वो लिख लिया? यस, लिख लिया ना? ठीक है, अब इनके बारे में क्या क्या है। गामा आर तो पता ही है, है ना, रेले स्कैटरिंग कोफिशिएंट। लैम्डा ऑब्वियसली ऑप्टिकल वेवलेंथ, जो भी लाइट उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रेवल करेगी वो लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है ना, उसके बाद एन वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और हम मान कर चलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू आउट द मीडियम कॉन्स्टेंट है। अगर कहीं पर बहुत छोटा सा चेंज हो रहा होगा देन वी विल सी कि वो चेंज कितना है। पी जो है ये फोटो इलास्टिक कोफिशियंट है, है ना, जो मटेरियल है उसकी इलास्टिसिटी का एक पैरामीटर है जो एवरेज फोटो इलास्टिक कोफिशियंट है, दैट इज पी। उसके बाद बीटा सी, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, है ना, और ये हम कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसको बोलते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर। अब इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है, ये इफेक्टिव टेम्परेचर एक टेम्परेचर है जिसमें हम बोलते हैं कि ग्लास जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच गया, है ना। ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये आप सब लोगों को पता है, जब वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होना बंद कर दे तो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो जिस स्टेट पर फाइबर का स्ट्रक्चर है ना वो क्या कहते हैं एक तरीके से थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गया उसको बोलते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर। तो जो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी है बीटा सी, दैट इज कैलकुलेटेड एट इफेक्टिव टेम्परेचर, दैट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर एक तरीके से क्या बोलेंगे उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में मेरे ग्लास को पहुंचा दे, उसको बोलेंगे इफेक्टिव टेम्परेचर। और के जो था ये था मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और जो इफेक्टिव टेम्परेचर था टीएफ भी आ रहा था वो मेरा इफेक्टिव टेम्परेचर, मैंने यहाँ पर टीएफ लिखा है इफेक्टिव टेम्परेचर, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं रेले स्कैटरिंग कोफिशिएंट को देखूं तो टोटल ट्रांसमिशन लॉस फैक्टर यानी ट्रांसमिसिविटी वो हम इस एल
से डिनोट करते हैं. दिस इज नॉट बेसिकली एल, ये एल जैसा ही एक पैरामीटर है ना, ट्रांसमिशन लॉस फैक्टर बोलते हैं. अब चूंकि लॉस फैक्टर है ना, तो आप चाहो तो इसको किसी अलग तरीके के एल से डिनोट कर दो, अदरवाइज यू कैन राइट इट एज एल एंड द बेसिस उसके बेस में एफ लिख दो, दैट मीन्स ट्रांसमिशन लॉस फैक्टर है ना. तो या लॉस फैक्टर, ठीक है, ट्रांसमिशन लॉस फैक्टर दैट इज एल एफ एंड दैट इज गवर्न्ड बाय, अभी जो मैंने गामा आर निकाला था उसको अगर मैं फाइबर की लेंथ से एल से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर विद अ नेगेटिव साइन उसका एक्सपोनेंशियल ले लूं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये ट्रांसमिसिविटी आ जाएगी, ट्रांसमिशन लॉस फैक्टर ऑफ द रेले कोफिशियंट, रेले स्कैटरिंग कोफिशियंट आ जाएगा. ठीक है, तो जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, यहाँ एल क्या था, एल था लेंथ ऑफ द फाइबर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे ये सारे पैरामीटर जो मैंने अभी पिछली स्लाइड पर देखे वो क्या क्या हैं और ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ क्या है ना. तो ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ से बेसिकली मैं ट्रांसमिशन लॉस फैक्टर निकाल सकता हूँ और पिछले बाकी सारे पैरामीटर से मैं क्या निकाल सकता हूँ, बाकी सारे पैरामीटर से मैं रेले स्कैटरिंग कोफिशिएंट निकाल सकता हूँ, गामा आर निकाल सकता हूँ. ठीक, अब जो मेरी इक्वेशन थी मैंने उसमें लिखा था कि जो गामा है ना, ये जो गामा निकाला मैंने, ये गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, ये जो गामा आर मैंने लिखा, दैट गामा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लैम्डा पावर 4. यानी अगर मैं किसी भी रीजन से इस गामा आर को कम करना चाहता हूँ, इफ आई वॉन्ट टू मिनिमाइज द गामा आर, देन आई वॉन्ट टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग वेवलेंथ विच इज प्रोपेगेटिंग थ्रू दी ऑप्टिकल फाइबर. यानी अगर मैं अपने ऑपरेशंस को लार्जेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ पर ऑपरेट करवाऊं तो रेले स्कैटरिंग को मैं सिग्निफिकेंटली मिनिमाइज कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि रेले स्कैटरिंग फिनोमेना मेरा वेवलेंथ के पावर 4 पर डिपेंड करता है. तो अगर वेवलेंथ मेरी थोड़ी सी भी कम हुई तो ऑटोमेटिकली जब द फिनोमेना रेले स्कैटरिंग फिनोमेना कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज टू अ लार्जर लेवल. ये क्लियर हो रहा है बच्चों आप लोगों को, जल्दी से बताओ. यस सर. अब आपको क्या करना है, आपको एक न्यूमेरिकल में दे रहा हूं, मैंने यहां लिख रखा है न्यूमेरिकल. इस न्यूमेरिकल में ये सारे टेम्परेचर या कंप्रेसिबिलिटी या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स या फोटो इलास्टिक कोफिशिएंट है ना, या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ऑपरेटिंग वेवलेंथ सब दे रखी है मैंने. मैंने यहाँ पर तीन वेवलेंथ्स दी हैं, एक सपोज आप मान लो लेमडा 1 दैट इज 0.63, एक आप मान लो लेमडा 2 दैट इज 1, और एक आप मान लो 1.3, ये हो गई लेमडा 3. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको गामा आर निकालना है पहले, रेले स्कैटरिंग कोफिशिएंट, रेले स्कैटरिंग कोफिशिएंट. ठीक है, फटाफट से कैलकुलेटर और कॉपी पेन ले लो और फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का सलूशन निकाल करके बताओ कि इस पर्टिकुलर केस में जब मैं लैम्डा की वैल्यू 0.63 लेता हूं तो गामा आर क्या आता है, लैम्डा की वैल्यू 1 लेता हूं तो क्या आता है, 1.3 लेता हूं तो क्या आता है ना. जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन सॉल्व करने में आसानी हो. 8πQ/3 लैम्डा पावर 4 एन पावर 8 पी पावर 2 बीटा सी के और टी एफ, ये मेरा गामा आर की वैल्यू थी. और जो मेरा क्या कहते हैं एक तरीके से एल था ट्रांसमिशन ट्रांसमिसिविटी है ना, वो मैं क्या बोला था, ई टू द पावर माइनस गामा आर इंटू एल है ना, L is the length of the fiber. ये L लिखा, ये length of the fiber. ठीक है, ये दो फॉर्मूले मुझे यूज करने हैं और मुझे आपको ये लैम्डा 1 के लिए, लैम्डा 2 के लिए और लैम्डा 3 के लिए रिस्पेक्टिवली ये तीनों वैल्यूज गामा R के लिए, गामा R की वैल्यू कितनी आती है, गामा R 1, लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग गामा R 2 और लैम्डा 3 के करिस्पॉन्डिंग गामा आर 3, ये मुझे वैल्यूज बताओ फटाफट आप लोग है ना. ये सारी वैल्यूज आपको मैंने लिख रखी हैं,
8π³/3λ⁴ n है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, n कितना है 1.46, तो मैं लिख देता हूं यहां पे n की वैल्यू कितनी है 1.46, ठीक है। और फोटो इलास्टिक कोफिशिएंट दैट इज बीटा सी, दैट इज बीटा सी, वो कितना है आपको 10 ये आपको दे रखिए, बीटा सी की वैल्यू दे रखिए 7 × 10⁻¹¹, ठीक है 7 × 10⁻¹¹ दैट इज बीटा सी। और मेरा जो P था वो P कितना था, P दे रखा है 0.286, है ना। तो N आ गया, P आ गया, बीटा C आ गया, K मुझे गिवन ही है, ये वाली वैल्यू K है, है ना। और आपको दे रखा है TF, तो TF और TF दे रखा है आपको कितना 1400K, तो जो इफेक्टिव टेम्परेचर है टी एफ वो कितना दे रखा है 1400K। ये सारी वैल्यूज पुट कर दो एक बार, आप लैम्डा वन लोगे, लैम्डा वन लोगे 0.63, ये सारी वैल्यूज, ये वाली सारी वैल्यूज इस वाले फॉर्मूले के अंदर रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये वाली वैल्यू भी रख दो इसके अंदर, है ना, के की, ठीक। तो इस तो आपको गामा आर मिल जाएगा, गामा आर वन। आप मुझे बताओ कितना आया, फटाफट से बताओ गामा आर इक्वल्स टू कितना आया, गामा आर वन फॉर ऑपरेटिंग वेवलेंथ वन, लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 0.63 माइक्रोमीटर रखूं तो कितना आया, सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन वी कैन यूज द कैलकुलेटर हियर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ तो 8 × π दैट इज 3.14, π³ है तो मैं 3.14 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया मेरा इतना, उसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये आ रहा है मेरा 82.55, है ना। तो ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है ये आ गई मेरी 82.55/λ⁴। अब मैं बाकी सारी वैल्यूज रख दूंगा 1.46⁸ इंटू पी स्क्वायर, पी कितना था, पी था 0.286² है ना, इंटू बीटा सी कितना था मेरा, बीटा सी था मेरा 7 × 10⁻¹¹, है ना, इंटू के, के दैट इज 1.381 × 10⁻²³ इंटू TF, TF यानी 1400, ये सारी वैल्यूज मैं उसके अंदर रख दूंगा, है ना। तो कर लेते हैं 1.46⁸, है ना, इंटू 1.46⁸, ये आ गया मेरा 20.46, ठीक है। इंटू 5.33 × 10⁻¹¹ ठीक है, ये आ गया, उसके बाद 7 ये आ गया इंटू 1.381 ये आ गया, उसके बाद इंटू 1400 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे 10⁻¹¹ और 10⁻²³, मतलब 10⁻¹¹, है ना, 10⁻¹¹ ये मुझे और लिखना है यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 1.886, है ना, यहाँ पे लिख लो 1.886 इंटू कितना आ रहा था 10⁻¹¹, सॉरी
दो चार छः, छः कम कर लो तो पाँच, 28 है ना, 10^-28 यहाँ आ जाएगा, 10^-28 और डिवाइड बाई लैम्डा पावर 4, ये आ जाएगा मेरा गामा आर 1। ठीक है, अब मैं अलग अलग लैम्डा की वैल्यू रख लूँगा तो मुझे गामा आर की वैल्यू मिल जाएगी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू रखता हूँ 0.63, तो अगर मैं 0.63 माइक्रोमीटर रखूँ तो माइक्रोमीटर की पावर अगर मैं 4 करूँगा तो कितना आएगा, 6^4 24, यानी -24 कैंसिल आउट जाएगा तो -4 वाली पावर बचेगी, तो ये आ जाएगा 1.886 × 10^-4 डिवाइड बाई 0.63^4 है ना, ये पर मीटर मैंने निकाल लिया, तो ये जो मेरा गामा आर आएगा ये आएगा मेरा पर मीटर। ठीक, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, तो जो भी वैल्यू आए ये कितनी आएगी आपकी देख लेते हैं एक बार कैलकुलेटर, 1.886 डिवाइड बाय 0.63 तो ये आया मेरा 11.972 × 10^-4। ठीक है, 11.97 × 10^-4 पर मीटर, या बोल सकते हैं 1.97 × 10^-3 पर मीटर, 1.197 पर मीटर। तो ये मेरा इसके लिए आ गया। अगर मैं यहाँ पर क्या कह सकते हैं लैम्डा की वैल्यू कर दूँ चेंज, ठीक है, लैम्डा कर दूँ, लैम्डा 2 के लिए फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है, तो गामा आर 2 कितना हो जाएगा, गामा आर 2 विल बी 1.886 × 10^-4 है ना माइक्रोमीटर, और डिवाइड बाय 1^4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.88 × 10^-4 या 18.95 × 10^-3 ठीक है, तो बेसिकली मैं देख सकता हूँ यहाँ पर मेरी कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, सही कराए, ये 10^-3 है, तो अगर मैं सर 0.18 है या 10^-5 हो जाएगा ये, तो है ना, ये हो जाएगा 0.188 × 10^-3 है ना, डिवाइड बाई 10 करेंगे क्योंकि 10^ मैं वहाँ ऑलरेडी एक ले रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखो गामा आर 2 मेरा आ रहा है 0.188 × 10^-3 पर मीटर, और गामा 1 मेरा आ रहा है कितना 1.197 × 10^-3 पर मीटर। दोनों ही केस में आप ध्यान से देखो, अगर मैंने वेवलेंथ इस वाले को देखूं तो मैंने वेवलेंथ कम करी है, इसमें वेवलेंथ बढ़ा दी, वेवलेंथ बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा गामा कितना है, गामा मेरा कम हो जाएगा। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर मेरा गामा कम हो रहा है। तो अगर मैं रिफ्लेक्शन को सॉरी स्कैटरिंग कोएफिशिएंट को रेले कोएफिशिएंट को कम करना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे वेवलेंथ बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे ही आप गामा आर 3 इसके लिए निकाल सकते हो, तो इसके लिए ये जो कोएफिशिएंट है स्कैटरिंग कोएफिशिएंट ये और कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? यस सर। अब अगर मैं पर किलोमीटर उसका लॉस निकालना चाहूँ तो यहाँ पर एल की वैल्यू रख लो सपोज 1 किलोमीटर, क्योंकि मुझे पर किलोमीटर लॉस निकालना है, तो गामा आर की वैल्यू आपको गिवन है, ये रेस्पेक्टिवली आपने निकाली अभी है ना, यहाँ पर रख दो और उसका एक्सपोनेंशियल ले लो नेगेटिव साइन के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको ट्रांसमिसिविटी मिल जाएगी या लॉस फैक्टर मिल जाएगा बेसिकली उस पर्टिकुलर क्या कह सकते हैं एक तरीके से क्वेश्चन के लिए कि मेरा लॉस फैक्टर कितना आया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो गामा आर की वैल्यू ये थी।
एल की वैल्यू ये थी, एटेन्यूएशन अगर मुझे निकालना हो तो एटेन्यूएशन को अगर मैंने एल निकाला, ये एल जो निकाला मैंने है ना, ये एल पर किलोमीटर यानी एल की वैल्यू मैंने ले ली, एल की वैल्यू मैंने ले ली 1 किलोमीटर पर किलोमीटर बेसिस पे निकाला है ना। और अगर मुझे एटेन्यूएशन निकालने के लिए बोला जाए तो एटेन्यूएशन के लिए हम क्या करेंगे, एटेन्यूएशन के लिए मुझे पावर तो देनी रखी है, तो बाई डिफॉल्ट मैं मानूंगा कि मेरी इनपुट पावर थी 1 और ये लॉस मुझे पर किलोमीटर पे निकल गया, तो ऑटोमेटिकली ये भी पर किलोमीटर और ये भी पर किलोमीटर, तो ऑटोमेटिकली मैं एटेन्यूएशन निकाल सकता हूँ। तो अगर मुझे एटेन्यूएशन निकालने के लिए बोला जाए तो आई कैन ईजिली कैलकुलेट द एटेन्यूएशन यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो आपने सबसे पहले गामा आर निकाला अलग अलग वेवलेंथ के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ एट डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। और फिर आपने चेक करा कि अगर मैं लैम्डा बढ़ाता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा गामा आर जो है वो कम हो रहा है, गामा आर मतलब मेरा ये कम हो रहा है, गामा आर कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मेरा लॉस कम होगा है ना, क्योंकि ये वाली फैक्टर अल्टीमेटली कम होगा तो ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंशियल भी कम होगा यानी लॉस कम होगा, ट्रांसमिटिविटी बढ़ेगी। ठीक, तो मैं ये निकाल रहा हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर किलोमीटर डिस्टेंस निकालने के लिए इसको मैंने मान लिया कि ये पर किलोमीटर, मैं 1 किलोमीटर इसकी लेंथ लेता हूँ ऑप्टिकल फाइबर की, अगर मुझे बोला जाएगा कि लेंथ 10 किलोमीटर पर कितना लॉस होगा तो मैं वहाँ पर निकाल लूँगा। तो ये तो सीधे सीधे आपको जो भी एल की वैल्यू गिवन हो आप उसके हिसाब से निकाल सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज अगर आपको एटेन्यूएशन निकालने के लिए बोला जाए तो एटेन्यूएशन तब निकालते हैं हम डेसिमल में, और डेसिमल में निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला मेरे पास वही है, 10 log 10 base PI डिवाइड बाई PO है ना। अगर मुझे कितनी पावर ट्रांसमिट हुई ये पता लग गया यानी PO पता लग गया है ना, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि ना मैंने कितनी पावर निकाली। तो ये जो पावर हमने निकाली ये बेसिकली क्या हुआ, ये हम मान के चलते हैं कि हम पर यूनिट पावर यानी इनपुट पावर अगर मैंने 1 दी थी सेम उसमें तो ऑप्टिकल फाइबर में, तो आउटपुट पावर मेरी इतनी आई, जो कितनी पावर एक्चुअल में ट्रांसमिट हुई मतलब रिसीवर पर कितनी पावर रिसीव हुई 1 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद, तो उसके लिए एटेन्यूएशन कितना हुआ वो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से जो हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा है। तो वी कैन सिंपली कैलकुलेट यहाँ PI की वैल्यू कितनी रख दूंगा, PI की वैल्यू रख दूंगा 1, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 डिवाइड बाई ये वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा और 1 मुझे पता ही है उसका मैं 10 log 10 पे ले लूंगा और उसका 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा, एटेन्यूएशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आई कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चंस। उसके बाद इसी का सेकंड कैटेगरी है मी स्कैटरिंग, ये थियोरेटिकल होती है मेनली, क्योंकि जो इनहोमोजीनिटीज होती हैं वो कंपेरेटिवली कंपेरेबल साइज की होती हैं। अगर मैं बोलूं कि एक ऑप्टिकल फाइबर में जो मेरे को इनहोमोजीनिटी दिखेगी, स्ट्रक्चर का कुछ चेंज दिखेगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो दिख रही हैं, तो दिखेंगी तब जब मेरे को स्ट्रक्चर के साइज के कंपेरेटिवली कंपेरेबल साइज का हो, है ना। अगर ऑप्टिकल फाइबर 1 माइक्रोमीटर का है तो अगर इम्प्योरिटी भी अगर वो 0.5 माइक्रोमीटर के आसपास होगी तो दिख जाएगी, उससे थोड़ी थोड़ी छोटी होगी, 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास होगी तो दिख जाएगी, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1 नैनोमीटर की तो नहीं दिखेगी, बिकॉज दैट विल बी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि मी स्कैटरिंग तभी अकर होती है जब इम्प्योरिटी का साइज जो है वो एज कम्पेयर टू द वेव लेंथ कंपेरेटिवली ज़्यादा हो। हम बोल रहे थे रेले स्कैटरिंग में जब उसका साइज कंपेरेटिवली बहुत कम हो, लेकिन मी स्कैटरिंग तब होती है जब उसका साइज कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हो, मतलब ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/2 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/10 दैट कैन बी कंपेरेबल। ऐसा ना हो कि वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/100 या 1/1000 हो, है ना, कि वेवलेंथ के 1/1000 टाइम्स स्मॉल है, तो वो रेले स्कैटरिंग में आ जाएगा, मी स्कैटरिंग में नहीं आएगा। दूसरी चीज, अगर मुझे इम्परफेक्शंस देखने हैं या को इरेगुलरिटीज देखनी है तो वो कई टाइप की हो सकती हैं, कोर क्लैडिंग इंटरफेस की वजह से, कोर क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस हो सकता है, उस पूरी लेंथ ऑफ द फाइबर के अंदर कहीं पर चेंज है कोर और क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो इस टाइप की इरेगुलरिटी हो सकती है। अगर डायामीटर चेंज हो रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर ऑप्टिकल फाइबर की डायामीटर विद इन द ऑप्टिकल फाइबर कहीं चेंज हो रही है, अगर ऑप्टिकल फाइबर में कहीं कोई स्ट्रेन है या बबल है ना, कोई स्ट्रेन है या बबल है, कहीं से खिंच गया मुड़ गया या बबल क्रिएट हो गया एट द टाइम ऑफ फ्रीजिंग, तो वो चीज़ भी नॉन
नॉन परफेक्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को जनरेट करेगा और वो एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है मी स्कैटरिंग को जनरेट करने का। तो नॉन परफेक्ट स्ट्रक्चर चाहे कुछ भी हो, चाहे स्ट्रेन हो, चाहे बबल हो, चाहे डायमीटर का कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ्लक्चुएशन हो, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा हो इन द ऑप्टिकल फाइबर, है ना, या कोर और क्लैडिंग इंटरफेस पर कोई भी इररेगुलरिटी हो, वो सारी की सारी मी स्कैटरिंग को जनरेट करने के, मी स्कैटरिंग को इनिशिएट करने के काम में आएंगी, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि वो लैम्डा बाई 10 से थोड़ी बड़ी हो तो मेरी स्कैटर डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। मतलब अगर मैं मी स्कैटरिंग की वजह से स्कैटर डेंसिटी निकालूं तो वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होगी अगर जो जो भी इररेगुलरिटी है स्ट्रक्चर की या इनहोमोजिनिटी है ना, वो लैम्डा बाई 10 के साइज से ज़्यादा हो, तो ये मी स्कैटरिंग होती है। मी स्कैटरिंग को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कंसिडर करते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब जिस डायरेक्शन में मेरी वेव ट्रैवल कर रही है उसी डायरेक्शन में स्कैटरिंग हो। ऐसा ना हो कि वेव मेरी यहाँ पर स्कैटर हुई इस साइज की वजह से और वो इधर की तरफ या इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, तो वो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो ये मी स्कैटरिंग बोली जाती है, ठीक है। मी स्कैटरिंग के लिए कंपल्शन है कि वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में ही होना चाहिए, है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में ही होना चाहिए। मतलब डायरेक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ऑटोमेटिकली वेव का प्रोपेगेशन, तो मी स्कैटरिंग भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कंसिडर की जानी चाहिए। इनको रिड्यूस करने के, इनको कम करने के लिए मेरे पास दो तीन तरीके हैं। अगर मैं ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को थोड़ा अच्छा बना लूं, है ना, अगर मैं कोई मशीनरी यूज़ कर रहा हूँ तो वो मशीनरी एक हाई क्वालिटी मशीनरी हो, जो जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ वो कंपेरेटिवली अच्छी क्वालिटी का हो, उसके अंदर इम्प्योरिटीज कंपेरेटिवली ना हो, है ना। और जो मैं कोटिंग कर रहा हूँ या जो ऐसा ना हो कि उस कोटिंग की वजह से कहीं ना कहीं उसका एक्सट्रूजन हो जाए। एक्सट्रूजन मतलब कहीं पर कोई ब्रेकेज आया और वहाँ से उसका स्ट्रक्चर से ग्लास मटेरियल वो लीक आउट कर गया कोटिंग के अंदर, है ना। तो मैं उसकी कोटिंग ऐसे करूं कि वो एक्सट्रूजन ना हो। एक्सट्रूजन मतलब उसकी लीकेज, है ना। सपोज यहाँ पर कोई चीज़ टकराई है, ब्रेक हुई और वहाँ से ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर का जो मटेरियल है वो लीक आउट कर गया, तो वो लीक आउट ना करे, ये एक्सट्रूजन ना हो। तो एक्सट्रूजन ना हो, ठीक है। एक्सट्रूजन मतलब उसका कहीं लीकेज ना हो, तो एक अच्छी टाइप की कोटिंग हम करें जिससे कि उसका एक्सट्रूजन ना हो, है ना। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर मैं फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस अगर बढ़ा दो, है ना, तो मेरा ये सारी चीज़ मी स्कैटरिंग कंपैरेटिवली कम हो सकती है। अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली होगा क्या, तो मेरी कोर क्लैडिंग इंटरफेस से पहले ही कहीं ना कहीं वेव बेंड हो जाएगी। इसका मतलब देयर मे बी स्मॉल अमाउंट ऑफ चांस कि वहाँ पर इररेगुलर स्ट्रक्चर मेरे को मिले। कोर एक्सिस के अलोंग, जितना कोर एक्सिस के अलोंग मैं क्या कह सकते हैं अपनी वेव को ट्रैवल करवाऊंगा, उतना ही इनसिग्निफिकेंट मी स्कैटरिंग मेरे को मिलेगी, क्योंकि इररेगुलरिटी के चांसेस और पूरे ऑप्टिकल फाइबर में कहीं भी हो ये बहुत चांसेस हैं, बट थ्रू आउट द एक्सिस वो कंपेरेटिवली कम चांसेस हैं, ठीक है। तो मी स्कैटरिंग को अवॉइड करने के लिए पहले तो मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बहुत अच्छा रखूं, दूसरा मैं एक अच्छी कोटिंग प्रोवाइड करूं जिससे कि उसका एक्सट्रूजन ना हो पाए, और तीसरा अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस को बढ़ा दूं अपने फाइबर के अंदर जिससे कि मेरी वेव का बेंडिंग कोर क्लैडिंग इंटरफेस जाने से पहले ही हो जाए। ये तीनों रीजंस मेरे मी स्कैटरिंग को रिड्यूस करने के काम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों ये क्लियर हो गया आप लोगों को या नहीं, जल्दी से बताओ। आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं और मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूं। ये क्लियर हो गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। सब लोगों को यस सर।